फिजिक्स के फॉर्मूलों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हर चैप्टर से। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू एन ई, एयर क्यू इज द चार्ज एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। यूनिट ऑफ क्यू, क्यू की यूनिट कूलम। दो इम्पोर्टेंट वैल्यू है, 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10^-6 कूलम, 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10^-6 कूलम एंड 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10^-3 कूलम। सेकेंड फॉर्मूला कूलम्स लॉ, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, एयर के इज द कॉन्स्टेंट, द वैल्यू ऑफ के इज 9 × 10^9। एफ रिप्रेजेंट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यूनिट ऑफ एफ इज न्यूटन एंड डायमेंशन इज m1 l1 t-2। एफ की डायमेंशन हम एफ इज इक्वल टू एम ए से कैलकुलेटेड कर सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आर रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस एंड डिस्टेंस ऑलवेज टेकन इन मीटर, के इज द कॉन्स्टेंट एंड वैल्यू ऑफ के इज 9 × 10^9। के की यूनिट कैसे कैलकुलेटेड करेंगे, के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू वन क्यू टू, एफ की यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर की यूनिट मीटर स्क्वायर, क्यू वन क्यू टू की यूनिट कूलम स्क्वायर। डायमेंशन के की न्यूटन या फोर्स की डायमेंशन अपन ऊपर देखी m1 l1 t-2, मीटर स्क्वायर की डायमेंशन एल स्क्वायर, कूलम की डायमेंशन हम एम्पियर इंटू टाइम से लेंगे, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर। फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी m1 l3 t-4 a-2। के की वैल्यू 1/4πε0 भी होती है, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 × 10^-12। के का मान पुट करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, क्यू वन क्यू टू अपॉन 4πfr². वाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट ऊपर वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, क्यू वन क्यू टू की यूनिट कूलम इंटू कूलम, 4π की कोई यूनिट नहीं होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन और आर स्क्वायर की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो फाइनली इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कूलम स्क्वायर की डायमेंशन एम्पियर इंटू टाइम का स्क्वायर, न्यूटन की m1 l1 t-2 एंड मीटर स्क्वायर की डायमेंशन होती है l2। फाइनली जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी m-1 l-3 t-4 a². चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम होता है, q इज इक्वल टू it। ER, epsilon R इज इक्वल टू epsilon अपॉन epsilon नॉट, एयर epsilon R रिप्रेजेंट रिलेटिव परमिटिविटी एंड epsilon रिप्रेजेंट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। नेक्स्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर आर कैफ,
आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर। जब आर कैप की वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल वेक्टर फॉर्म आ जाएगा एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू आर क्यूब आर वेक्टर। फोर्स इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ।